बुलंदशहर में अखलाक केस की जांच अधिकारी रहे इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की भीड़ के हाथों हुई हत्या पर यूपी के पुलिस कर्मियों में उबाल, अफसरों पर वक्त पर पुलिस बल मुहैया न करवाने पर सोशल मीडिया में गुस्सा उतारा। बुलंदशहर हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान, कहा एक वर्ग को भड़काने और ओवैसी जैसी मानसिकता के लोग बढ़ने पर परिस्थितियां बिगड़ी। जम्मू के कठुआ में गो तस्करी के शक में लोगों ने एक ट्रक को आग के हवाले किया, जिसके बाद पुलिस ने हिंसा पर उतारू भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। लखनऊ के बादशाह नगर में बीजेपी नेता की हत्या से गुस्साए परिजनों और समर्थकों ने ट्रॉमा सेंटर के बाद हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। दिल्ली में देव व्यापार से बचाकर लाई गई 9 नाबालिग लड़कियों के एक शेल्टर होम से सनसनीखेज ढंग से लापता होने के बाद राज्य सरकार ने शेल्टर होम के अधीक्षक को सस्पेंड किया। मध्य प्रदेश में ईवीएम की सुरक्षा पर चुनाव आयोग की भरोसा देने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशियों ने जगह जगह बने स्ट्रांग रूम के सामने टेंट और पंडाल लगाकर अपने स्तर पर चौकसी शुरू की। तेलंगाना के चुनाव प्रचार के समय मुस्लिम आरक्षण की मांग को पीएम ने संविधान के खिलाफ बताकर वोट बैंक की सियासत का आरोप लगाया तो ओवैसी ने पलटवार कर उन्हें संविधान पढ़ने की सलाह दी। आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आया, छह कॉन्स्टिट्यूशन जानने वाले को आप बिठाकर कॉन्स्टिट्यूशन समझ लीजिए। करतारपुर कॉरिडोर के मामले में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अपने ही विदेश मंत्री के गूगली वाले बयान को तूल देने से परहेज किया और दावा किया कि भारत और पाकिस्तान जंग से नहीं जीत सकते, इसलिए उन्हें रिश्ते सुधारने होंगे। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव से पहले एबीवीपी पर जेडीयू नेता प्रशांत किशोर की गाड़ी पर हमले का आरोप, तो छात्रों ने उन पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। महाराष्ट्र के थाने में कालू नदी पर बने 100 साल से ज्यादा पुराने एक जर्जर पुल को विस्फोटक लगाकर ध्वस्त किया गया, जहां अब एक नया पुल बनाया जाएगा। लखनऊ के बादशाह नगर में बीजेपी नेता की हत्या के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ट्रॉमा सेंटर में जमकर हंगामा किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रत्युष्मणि त्रिपाठी की चाकू से गोद कर हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए। प्रत्युष्मणि का शव बादशाह नगर में खून से लथपथ मिला था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है।